न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश 157 साल पुराने अंग्रेजों का पुल ढहा, ट्रक समेत बीच का हिस्सा गिरा, भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे हुआ बंद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में रविवार को भीषण हादसा हो गया। यहाँ भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 69 पर सुक्तवान नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल भरभरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि पुल उस समय टूटा जब इसके ऊपर से भारी भरकम सामान लेकर 138 पहियों वाला ट्रॉला गुजर रहा था। इस हादसे में ट्रॉला भी सामान सहित पुल के नीचे गिर गया। रोला के भजन से करीब 157 साल पुराना यह पल पल भर में जमीन दोस्त हो गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 25 फीट ऊंचा पुल यह सन 1865 में बना था। मिली जानकारी के अनुसार बैतूल भोपाल हाईवे पर 138 टायर वाले ट्रॉला विशाल मशीन लेकर जा रहा था। जैसे ही योग भारी भरकम उतरौला सुखतवा के पुल से गुजरा तो पुल भरभरा कर ढह गया। बताया गया कि ट्रॉला हैदराबाद से पावर ग्रेड इटारसी तक जा रही है, इस मशीन को ले जा रहा था। पावर ग्रिड की मशीन सहित ट्रॉला पुल के नीचे गिर जाने से बड़ी क्षति भी हुई है। वहीं पुल टूटने के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। स्कूल से हर दिन लगभग 5000 से अधिक वाहन गुजरते थे। हादसे के बाद हाईवे बंद हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसे देखते हुए यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को नर्मदापुरम प्रशासन ने दूसरे रास्ते से डायवर्ट किया। मिली जानकारी के अनुसार ट्रॉली पर रखी हेवी मशीन 20 फीट चौड़ी और 17 फीट ऊंची थी। इस मशीन को तोशिबा कंपनी ने बनाया है। मशीन का वजन 120 से 3 से ज्यादा है। ट्रॉली में 16 एक्सेल और 128 टायर है, जबकि इसे खींचने वाले आगे के पार्ट में 10 टायर फिट है। बता दें कि बीते साल 29 नवंबर को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें दिल्ली से जुड़ने वाले हाईवे पर स्थित कोलाघाट पुल का एक हिस्सा रह गया था। राहत की बात यह रही थी कि इस जर्जर पुल के गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई थी। बताया गया था कि पुल से एक कार गुजर रही थी जो बीच में ही फंस गई, उसी दौरान पुल ढह गया था। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। नमस्कार।